हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस अवसर पर भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में व्याप्त सभी दुख खत्म हो जाते हैं, साथ ही आय और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। धार्मिक मान्यता है कि द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन किन चीजों का दान करना फलदायी होता है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 28 फरवरी को रात 1:53 पर होगा और इसके अगले दिन यानी 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी बुधवार के दिन किया जाएगा। इस दिन दान करने का बहुत महत्व है। अगर आप जीवन में किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन हाथी को चारा खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से परेशानी से निजात मिलती है। इसके अलावा द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के समय श्री गणेश जी को पीले गेंदे का फूल और 5 हरी दूर्वा अर्पित करें, मोदक और फल का भोग लगाएं, पूजा के बाद लोगों को प्रसाद का दान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद को कपड़े और धन का दान करें। मान्यता है कि इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वहीं अगर आप बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को 21 दूर्वा की गांठ के साथ गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से बिजनेस में जरूर सफलता मिलती है। इस दिन किए गए कुछ उपाय भी बहुत लाभकारी होते हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखें और इसकी पूजा करें। इससे गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन एक लाल रंग का कपड़ा लेकर इसमें श्री यंत्र और उसके बीच में सुपारी रख दें, फिर गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में रखे इस श्रीयंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय चंद्रोदय होने पर लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प, अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव खुशहाली का आशीर्वाद देंगे। अब जान लेते हैं कि इस दिन की पूजा विधि क्या है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्मा बेला में उठें, दिन की शुरुआत भगवान गणेश के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। मंदिर की सफाई कर गंगा जल छिड़क कर मंदिर को शुद्ध करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। उन्हें पंचामृत, रोली, अक्षत, जनेऊ, सिंदूर, कुश, दूर्वा, सुपारी अर्पित करें। संकल्प लेकर उनकी पूजा करें और पूजा समाप्त होने के बाद दीपक जलाकर आरती करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान गणेश से सुख समृद्धि और आय में वृद्धि की प्रार्थना करें। पूरे दिन के व्रत के बाद संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत का पारण करें। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्मकर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।